हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात वही रोची तरह, आज के शो में क्या है खास। मंत्रिमंडल के फेरबदल की खबर पर जनता क्या बोली। अत्यंत वायरल है फास्ट एंड फ्यूरियस की ये फैमिली वाले मीम। चुरा के दिल मेरा इस गाने के रीमिक्स पर जनता का क्या कहना है। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात इस फूड चैनल की जिसने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन वो सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। भिंड से चोरी का गजब मामला सामने आया है जिसके किस्से फेसबुक पर वायरल हैं। चोर ने चोरी की और बाद में माफी मांगते हुए इमोशनल सी चिट्ठी भी लिख गया। लिखा, जय हिंद जय भारत, सॉरी दोस्त, मजबूरी थी, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे दोस्त की जान चली जाती, टेंशन मत लेना, मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर पर पैसे फेंक जाऊंगा। साथ में चिट्ठी पर धूम 3 भी लिखा नजर आता है। अब हम तो यही कहेंगे कि काश ऐसा सही हो, वो पैसे फेंक जाए तो बहुत ही अच्छा। आप बताइए कैसी कैसी घटनाएं होती हैं दुनिया में। पिछले साल पीएम मोदी ने ट्विटर पर दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी। राजनीति में इंटरेस्ट रखने वालों ने नाना प्रकार के मतलब इसके निकाले। बहुत सस्ते में कहें तो चीन का हुआ बताया गया इसे। इसलिए आज सुबह से ही लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या आज पीएम दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देंगे या नहीं देंगे। पर अंत में हुआ ये कि पीएम ने कॉल भी किया, ट्विटर पर भी लिखा, लेकिन ये इकलौता बर्थडे विश नहीं किया है पीएम मोदी ने। आज डेक्स्ट्रो नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी ऐसी फरमाइश की जिसके बाद पीएम ने उसे बर्थडे विश किया। उसके यूजर नेम पर जो टर्म चल रहा था डेक्स्ट्रो दिवस, उसका भी जिक्र किया। बढ़िया है, योगी जी से पूछो, सबको तो बर्थडे विश भी नहीं हो पाता ट्विटर पे। और ट्विटर पर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन मांगने वालों से पूछो। अच्छा ये वाला ना बोले, बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। ठीक है, पता तो है ही सबको। इंस्टाग्राम पर वायरल है धर्मशाला लोकल नाम के हैंडल से आया ये वीडियो जिसमें नजर क्या आता है कि एक बच्चा जिसने खुद जूते तक नहीं पहने थे लोगों को डंडा दिखाकर ये पूछ रहा था कि उनका मास्क कहां है। कुछ लोग उसको झिड़क रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मुंह बना रहे थे और कोई वीडियो बना रहा था। शब्द कम है लेकिन ये इकलौता वीडियो ये समझने के लिए काफी है कि इस एक वीडियो में लोगों की लापरवाही के अलावा भी कितनी चीजें कितने लेवल पर गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। लेकिन उसके पहले एक आपको काल्पनिक पुरानी कहानी सुनाऊंगा एक राजा की। राजा वैसा ही था जैसा राजा हुआ करते हैं, काम वाम नहीं करता था, बहाने खूब सारे होते थे उसके पास। तो जब लोगों ने शिकायत बहुत ज़्यादा की तो उसने कहा कि देखो, वैसे तो मैं 24 में से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरे राजमहल के ठीक अगल बगल में एक लोहे का काम करने वाला रहता है और एक लकड़ी का काम करने वाला रहता है। 24 घंटे काम करते हैं ये लोग, खटपट होती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, इसके कारण मैं राज्य का काम नहीं कर पाता हूँ। अगर आप लोग इनकी जगह बदल दें तो हो सकता है मैं राज्य के लिए अच्छा काम करने लगूँ। उन लोगों के पास तक ये बात गई, प्रेशर में आ गए वो लोग, करें क्या करें, बहुत सोचा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लोहे लकड़ी वाले के यहां रहने चला गया, लकड़ी वाला लोहे वाले के यहां रहने चला गया। और राजा के पास यह कह दिया गया, संदेश भेज दिया गया कि अब आपकी अच्छी रातें आ गई हैं, आप आराम से सोइए, आपने जैसा कहा था हमने अपनी जगह बदल ली। राजा ने भी ये सुना तो उसको लगा कि शायद उसका बहाना काम नहीं आया, बहाने काम नहीं आएंगे, उसको काम करना होगा। और उसने रोगा के काम शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ज़्यादा सीख तो नहीं मिलती, बस ये पता चलता है कि कई बार बस दिखाने के लिए भी बदलाव हो जाने चाहिए। बदलाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में बदलाव की बात चल रही है। मोदी सरकार के कैबिनेट में ऐसी बातें चल रही हैं कि कुछ फेरबदल होंगे, ऐसी खबरें आई हैं, सोशल मीडिया इसी पे अड़ा पड़ा है। तो ट्विटर पर चलता हुआ नजर आया हैशटैग कैबिनेट रीशफल। कैबिनेट में फेरबदल, अटकलबाजी और चर्चाएं वगैरह चलती रही। मजेदार वाकये भी हुए। ऐसा ही एक वाकया पत्रकार पॉल मिसाहा ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज दोपहर भाजपा सांसद नारायण राणे लैंड हुए। मीडिया ने उनसे पूछा, सर आपको न्योता आया है सरकार से? वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में बोले, मैं सांसद हूँ, सत्र से पहले हमको आना ही होता है। इस पे मीडिया ने थोड़ा और आगे निकल के पूछा, सर 15 दिन पहले, मतलब निकालते रहिए आप अपने हिसाब से। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लोगों की निगाहों में चढ़े रहे। कोई कहता मिला, उनका इंतजार खत्म, वो 3:30 बजे दिल्ली पहुंचे। वहीं किसी ने उन्हें ट्रोल किया, उनकी जो झोले वाली तस्वीर पहले भी खूब वायरल रही है उसके जरिए मजाक उड़ाया गया कि सिंधिया को कैबिनेट रीशफल में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, सीनियर बीजेपी लीडर्स के झोले उठाने की जिम्मेदारी। लोगों ने पूछा, मिनिस्टर्स इंचार्ज ऑफ राहुल गांधी अफेयर्स कौन होगा? राइट विंग के ट्विटर ट्रोल्स लंबे समय से ना जाने क्यों प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद के पीछे पड़े हैं। उनका कहना है कि ये लोग सख्त कदम नहीं उठाते और ढुलमुल रवैया रखते हैं, इसलिए आज फिर कहा गया कि इन दो अक्षम ठिठोली करने वालों को कैबिनेट से हटाएं, अब इन्हें और सहा नहीं जा सकता। आगे और भी बुरी बुरी बातें लिखी थी कि तय करें कि इनको कहीं भृत्य का पद भी ना मिले वगैरह। सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसे ही निशाने पर रहते हैं। उनके लिए कहा गया कि बिग ब्रेकिंग, स्वामी को मिल सकता है मौका परस्ती मंत्रालय। कुछ ने लालकृष्ण आडवाणी को याद करते हुए उनका मजाक उड़ाया कि आडवाणी को भी मिस कॉल आया था सूत्र।
किरोड़ी को मंत्रिमंडल में शामिल करो हैशटैग भी चलता दिखा। समर्थकों ने लिखा, सोचने वाली बात है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसा जननायक मंत्रिमंडल से बाहर है। सरकार इस बारे में विचार करे और जननायक को मंत्रिमंडल में शामिल करे। कांग्रेस और राहुल गांधी के मजे भी लिए गए। कांग्रेस वालों की मांग है कि जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसमें राहुल गांधी को गृह मंत्री बनाया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में वह प्रदर्शन और आमरण अनशन पर बैठेंगे, ऐसा लिखा गया। विन डीजल को तो आप सबने ही देखा होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस में वो डोमिनिक टोरेटो बनते हैं। अब कुछ लोग इसमें भी हंसेंगे, पॉलिटिक्स खोज लेंगे, कुछ नहीं हो सकता, यूएपीए लगेगा और संपत्ति जब्त होगी अलग। खैर, डोमिनिक का हालचाल ये है, मतलब उसका हाल ये है कि वो पूरी फिल्म में बस तीन चीज़ें करता है। 33% वो गाड़ियों पे काम करेगा, 33% वो प्लानिंग पे काम करेगा और बाकी के जो 34% है उस पे मेरा परिवार, परिवार का प्यार, मेरे परिवार की ताकत, इस तरह की बातें करता रहता है। तो अब फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आ रही है और ये फैमिली वाली बात पे काफ़ी मजाक वजाक बनते हैं। एक बार फिर से लहर आ गई है आई गॉट फैमिली वाले मीम्स की, जो तमाम सीरीज, तमाम फिल्म, तमाम हालातों पर, हालातों नहीं होता, हालात होता है, तमाम हालात पे लगा लगा के खेले जा रहे हैं। किसी ने बड़े बेसिक से मीम डाले कि मुझे ह्यूमर की जरूरत नहीं है, मेरे पास फैमिली है, ग्रेविटी ऐसे काम नहीं करती। किसी ने कहा तो डॉम की ओर से कहा गया, मेरे पास ग्रेविटी नहीं है, मेरे पास फैमिली है। इस कार से उस कार पे कूद गए। सर्सी लैनिस्टर और जैमी लैनिस्टर के उस चर्चित सीन पर मीम बने कि डॉम तुम वहां क्या कर रहे हो। गोली मारते हुए डॉम ने कहा, तुम परिवार के साथ ये सब नहीं करते, जिसको पता है उसको पता है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का दृश्य दिखाया गया कि क्या तुम फाइटिंग में सामने वाले की पावर्स से घबरा रहे हो। जवाब आया, फैमिली से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं। और फिर दिखता है कि डॉम की थुराई हो रही है। सुपरमैन का वो सीन दिखाया गया जिसमें सुपरमैन से उसके सीने पर लिखे एस का मतलब पूछा गया और उसने होप बताया था। डॉम से पूछा गया एस का क्या मतलब है, अगले का जवाब आता है फैमिली। चुरा के दिल मेरा गोलियां चली, ये गाना आपने देखा सुना जरूर होगा। अगर इसके उस पहलू पे बात न करें कि किस तरह ये रेसिज्म को बढ़ावा देता है या किस तरह ये देह के एक रंग को बेहतर बताता है, तो भी इसकी बातें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि हंगामा 2 आने वाली है जिसमें चुरा के दिल मेरा 2 गाना आ रहा है। गाना रिलीज हुआ, नज़र आया कि उसमें शिल्पा शेट्टी हैं और साथ में उनके नज़र आए मीजान जाफरी। लेकिन जिस तरीके से गाने को बिगाड़ा, गाया गया था, तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर बस वही वही बातें चल पड़ी। लोग बोले, इसे देख के महसूस हुआ कुमार्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, अक्षय कुमार और कुमार सानू को। कोई बोला, शिल्पा शेट्टी को हटा दें तो इस गाने में सब कुछ राम गोपाल वर्मा की आग से भी बुरा है, ये असली गाने की जघन्य हत्या है। कोई बोला, इसे देखने के बाद मुझे असली गाना सुनकर कान पवित्र करने पड़ेंगे। लोग सच में पुराने गाने पर कमेंट करते मिले कि नया गाना सुनकर मेरे कान इतने डैमेज हो गए हैं कि पुराना सुनकर राहत लेने आया हूँ। किसी ने लिखा, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको किसी सुपरस्टार की जरूरत नहीं होती है। कुमार सानू हिट्स के सीडी खरीदने वाले ये बात बखूबी जानते हैं। समय है जब एक बार फिर से मैं इस शो में पिक ऑफ द डे का इंट्रो दूं। चलो आज नहीं देते हैं, पिक ऑफ द डे में आज जिस चैनल की बात कर रहे हैं वो है विलेज कुकिंग चैनल। हाल ही में इसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। बड़ा कमाल का चैनल लगता है, मतलब बहुत ही रॉ तरीके से और बहुत ही महीन तरीके से इसमें खाना बनता है और मसालों का जो यूज करते हैं ये लोग, आहा, अद्भुत। देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी फेमस भी है। और अंत में जब ये खाना बना लेते हैं तो ज़रूरतमंदों को भी वो दे आते हैं वो चीज़, सोने पर सुहागा। तो अगर आपको खाना बनाने में दिलचस्पी या फिर देखने में ही मज़ा आता है तो आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब हम चले। लेकिन जाते जाते कल की तरह आपको एक वीडियो और दिखा देते हैं, बच्चे की समझदारी का ये वीडियो। हीरा, हीरा कौन लेगा? हीरा लो, देखिए कितनी ताकत है। टाटा कहना रह गया था, टाटा।